बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में सितारों की दोस्ती और दुश्मनी के किस्से बेहद आम हैं। कई सितारों के बीच तगड़ी दोस्ती नजर आती है तो कुछ सितारे ऐसे भी हैं जिन्होंने काफी समय से एक दूसरे से बातचीत तक नहीं की है। ऐसे ही सितारों में शत्रुघ्न सिन्हा और अमिताभ बच्चन भी शामिल हैं। नसीब, शान और दोस्ताना आदि फिल्मों में दोनों की जोड़ी काफी हिट रही, लेकिन फिल्म काला पत्थर की शूटिंग के दौरान कुछ ऐसा हुआ जिससे बिग बी और शॉटगन की दोस्ती टूट गई। इस किस्से का जिक्र शत्रुघ्न सिन्हा ने खुद अपनी बायोग्राफी एनीथिंग बट खामोश में किया है। दरअसल ये किस्सा शत्रुघ्न सिन्हा और अमिताभ बच्चन की सुपरहिट फिल्म काला पत्थर की है। शत्रुघ्न सिन्हा ने अपनी बायोग्राफी में बताया है कि इस फिल्म की शूटिंग के दौरान अमिताभ बच्चन ने उनकी पिटाई कर दी थी। खास बात तो यह है कि अमिताभ शत्रु जी की पिटाई तब तक करते रहे जब तक शशि कपूर ने आकर उन्हें बचाया नहीं। दरअसल शत्रुघ्न सिन्हा ने अपनी बायोग्राफी एनीथिंग बट खामोश में बताया है कि काला पत्थर की शूटिंग के दौरान एक सीन में अमिताभ ने मुझे बुरी तरह पीटा था। वो मुझे लगातार मार रहे थे और वहां मौजूद लोग कुछ भी समझ नहीं पा रहे थे। उस दिन शशि कपूर ने मुझे किसी तरह बचाया था। आपको बता दें कि शत्रुघ्न सिन्हा का दावा है कि काला पत्थर के सेट पर उन्हें अमिताभ के बगल वाली कुर्सी कभी ऑफर नहीं की गई। इसके अलावा उनका छाता भी उनके साथ साझा नहीं किया जाता था। उन्होंने अपनी बायोग्राफी में बताया है कि हम दोनों एक ही होटल में थे, एक ही फिल्म की शूटिंग करते थे। इसके बावजूद अमिताभ अपनी कार में मुझे लेकर नहीं जाते थे। हालांकि ये सोचने वाली बात है कि आखिर अमिताभ ने शत्रुघ्न सिन्हा के साथ ऐसा क्यों किया था, तो इसका जवाब भी शत्रुघ्न सिन्हा ने अपनी आत्मकथा में दिया है। दरअसल शत्रुघ्न का दावा है कि उस वक्त उनकी एक्टिंग की काफी ज्यादा तारीफ होती थी जिससे अमिताभ परेशान हो गए थे। शत्रुघ्न सिन्हा ने अपनी बायोग्राफी में बताया कि 70 के दशक में बॉलीवुड में उन्हें अमिताभ बच्चन से ज्यादा पसंद किया जाने लगा था। अमिताभ और मेरी ऑन स्क्रीन जोड़ी को सुपरहिट बताया जाता था जिसकी वजह से कई हिट फिल्में रही। हालांकि उसके बाद वह मेरे साथ काम नहीं करना चाहते थे क्योंकि उन्हें लगता था कि जो शोहरत उन्हें मिलनी चाहिए वह मुझे मिल रही है। बस इसी वजह से वह नहीं चाहते थे कि मैं उनकी फिल्म का हिस्सा बनूं। ऐसे में इसके बाद शत्रुघ्न सिन्हा ने अमिताभ के साथ कई फिल्मों में काम करने से साफ साफ इनकार कर दिया था। यहाँ तक कि साइनिंग अमाउंट भी लौटा दिया था और यहीं से शुरू हुई थी दोनों की दोस्ती में तकरार, जो कि आज तक कहा जाता है कि एक तरह से जारी है।